वेलकम बैक नाज़रीन। बैरिस्टर साहब, वापस आपकी तरफ आऊँगा। आप जिक्र कर रहे थे कि इलेक्शन से पहले ही फ़ज़ा बननी शुरू हो गई थी, जो इलेक्शन कमीशन बना था उस पर भी लोग इतराज़ात कर रहे थे, और जहाँ तक मुझे याद है ताहिरुल कादरी साहब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि जो जो तमाम निज़ाम था वो ही सस्पेक्ट था। एक एक कदम जो था, मिसाल के तौर पे आप देखें कि 18वीं तरमीम ने वो प्रोविज़न आइन में डाली जिसके तहत इलेक्शन जब होने हों तो केयर टेकर गवर्नमेंट या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन चुनेगा, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये दोनों तय करेंगे। और इलेक्शन किनका हो रहा है, इन दोनों पार्टियों का हो रहा है। यानी दो पार्टियां, दो टीमें खेल रही हैं, अंपायर अपना खुद चुनेंगे। अच्छा, इसी तरह रेफरी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी ये दो चुनेंगे, नैब का चेयरमैन जो है वो भी दो दो बंदे चुनेंगे, उन्हीं के पास दोनों के केसेस उसके पास हैं। तो ये पैटर्न जो था जो कि मैनिफेस्ट किया जिसने उस शक्ल में जिसमें नजम सेठी बन गए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के, कंट्रोवर्शियल थे, किसी और सूबे का चीफ मिनिस्टर कंट्रोवर्शियल नहीं था, उनके बारे में कंट्रोवर्सी और उनका कॉन्डक्ट था जो ख़ुद भी हेल्पलेस शुरू में जाहिर किया उन्होंने अपने आप को। इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उनको किसी कार्रवाई के बारे में इल्म भी नहीं था, एज भी उनकी ऐसी थी। लाइकवाइज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो पहले दिन से ही जो लीगल हलके थे जो जानते थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम को कि उन बेचारे में वो कैपेसिटी ही नहीं थी, फिज़िकल कैपेसिटी नहीं थी कि वो इलेक्शन जैसे टेंस सिस्टम को हैंडल कर सकें, कमांड कर सकें और कंट्रोल कर सकें, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और उनके वर्कर्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लड़ने वाले लोग शातिर हो चुके थे, उनको एक एक गुर आता था इलेक्शन में रिगिंग का, और मुझे खुद इल्म है, कई इलेक्शनों में मैं खुद गुजरा हूँ। तो उसके लिए एक ऐसा निज़ाम चाहिए था इलेक्शन कमीशन का जो कि ओवरराइड करता उन तमाम सिस्टम्स को, जिनको ये इल्म होता कि किन किन तरीके से धांधली हो सकती है और उसके काउंटर्स क्या हैं। सिर्फ ये कि एक सरकारी दफ्तर की तरह उसको चलाने से इलेक्शन होना जो है वो मुमकिन नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि धांधली और ज़बरदस्ती और अनमेरिटोरियसली जीतना हर बंदे की कोशिश होती है कि वो किसी तरीके से मेंबर बन जाए। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो रही थी उस वक्त से शकूक थे कि कोई चीज़ मिसिंग है, कोई निज़ाम ऐसा बनने जा रहा है जिसमें कि किसी तरफ धकेला जाएगा इलेक्शन को, जो शुरू में मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको अल्फाज नहीं दे सकें, उस एहतजाज को वो मैनिफेस्ट नहीं कर सके, सिर्फ ये कह रहे कि हाँ जी धांधली हुई है, धांधली हुई है, उंगली नहीं रख सके, नब्ज़ नहीं पकड़ सके। जो धरना शुरू किया तहरीक इंसाफ ने और अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने, उन्होंने जैसे ताहिरुल कादरी साहब ने स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कि आइन ये कहता था कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं वो किस तरीके से चुने जाएंगे, कि हर सूबे से तीन तीन नाम दिए जाएंगे जजेस के और उनमें से एक चुना जाएगा, वो कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई, ना तीन नाम दिए गए पार्लियामेंट्री कमीशन को और ना ही उन्होंने इस पर कोई गौर व फिक्र किया, तो आइन की पासदारी नहीं हुई। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट में गए वहाँ से उन्होंने दूसरे अल्फाज में धक्के दे के निकाल दिया इफ्तिखार चौधरी साहब ने उनको, और उनको किसी और तरफ ले गए कि ये तो चूँकि दोहरी शहरियत रखते हैं तो ये तो पाकिस्तान के वफादार ही नहीं है, तो इनको हक ही नहीं है केस करने का। तो वो भी अब क्वेश्चन मार्क उठता है कि इतना इम्पोर्टेंट सवाल जो था वो सवाल क्यों नहीं टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई अगर ये इलेक्शन कमीशन के मेम्बर ठीक इलेक्ट नहीं हुए या नॉमिनेट नहीं हुए तो आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। अब आइन की ख़िलाफ़ वर्जी का तो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद ही नोटिस ले सकती थी, अगर वो छोटे छोटे मामलात पे सुओ मोटो नोटिस इशू कर समोसों की प्राइस पे भी हाँ सुमोटो आ जाए। तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले थे, वो उन्होंने नहीं किया, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। इमरान खान कहते रहे कि इफ्तिखार चौधरी
انوالو تھے اور وہ اس ریگنگ کو کنڈکٹ کر رہے تھے کس طریقے سے. اب پتہ نہیں اس خلاف ایویڈنس کوئی دیتے ہیں یا نہیں دیتے, وہ ان کی اپنی اس پہ ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے انہوں نے ایک ایسا ماحول کھڑا کر دیا تھا جس سے یہ لگتا تھا کہ الیکشن فری اور فیئر نہیں ہوئے اور شاید یہ منظم طریقے سے آرگنائز کیے گئے تھے ریگنگ کے لیے. لیکن اب یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ صرف افواہوں پہ نہیں چلے گا, یہ میری آپ کی خواہش پہ نہیں چلے گا, یہ میرے تجزیے پہ نہیں چلے گا, نہ ڈاکٹر صاحب کے تجزیے پہ چلے گا, نہ آپ کے سوالوں سے. وہ کہیں گے ہمیں آپ بتائیے کہ افتخار چودھری کس طرح سے انوالو تھے, نجم سیٹھی کس طرح سے انوالو تھے, یہ الیکشن کمیشن میں کیا خرابی تھی, اس کا کیا کوئی ایک تھا ایسا آرگنائزر جو یہ اس کو الیکشن. سر یہاں پہ آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے, آپ سے سوال پوچھوں گا کہ عوام کا یہ پرسپشن تھا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ ڈھونڈ کے لائے گا کہ کون تھا, کس طرح منظم ہوا, کس نے کیا, پر الٹا جوڈیشل کمیشن نے جو مدعی ہے اسی سے سوال کر دیا, بھائی تم بتاؤ مجھے کیسے کرنا ہے, کس نے کیا ہے, ثبوت بھی لے کے آؤ. نہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ, اس لیے کہ یہ تو ساری دنیا کا قانون ہے کہ جو الیج کرتا ہے وہی پروف کرتا ہے. یہ تو کمیشن کے لیے تو نہیں ہے, انہوں نے تو سننا ہے کیا بتاؤ بھائی. پولیس نہیں ہے کہ وہ جا کے تحقیق کرے گی. بالکل, وہ تو پارٹی تو ہوتی ہیں جو کہ پروف کرتی ہیں. کمیشن تو پارٹی نہیں ہے, وہ تو عدالت ہے ایک طرح کی نا. تو وہ تو ان کا کام ہے, جو الیج کرتے ہیں وہ پروف کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے جو سوال کے ذریعے سے, کیونکہ دیکھیں یہ ذرا کورٹ کی کارروائی سے مختلف ہے. عدالت کی کارروائی تو کلیئر کٹ ہے, ہم سب کو معلوم ہے, تمام لوگ ہم عدالتوں میں گئے ہیں کہ وہ ایک سائڈ جو ہے پروسیکیوٹ کرتی ہے, دوسری سائڈ ڈیفینڈ کرتی ہے, ایک طرف پیٹیشنر ہوتا ہے, دوسری طرف رسپونڈنٹ ہوتا ہے, ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے, وہ کاؤنٹر کرتے ہیں, کورٹ سنتی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے کہ دونوں کے آرگومنٹ سنتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے طور سے سوال کریں گے اور چاہیں گے کہ وہ پارٹیاں جو الیج کرتی ہیں یا جنہوں نے پارٹی بنی ہے والنٹیرلی اکٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے, ہم بھی گواہی دینا چاہتے ہیں, ہم بھی گواہی دینا چاہتے ہیں, تو وہ سوال ان کو کر رہے ہیں, آپ اس کا جواب دیں, اس کا جواب دیں, تاکہ ہمیں سہولت ہو, ہم اس کا فریم ورک بنا سکیں کہ کیا ہم وہ ٹرمز آف ریفرنس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ یہ منظم طریقے سے داندھلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی امپورٹنٹ کام ہے اور بڑا مشکل کام ہے پولیٹیکل پارٹی. اگر انہوں نے اس کو کنفیوز کر دیا اس پہ کہ یہ ہمارے پاس بیگ بھرے ہیں, اس کے اوپر غلط انگوٹھے لگے ہیں, چاپ لگی ہے, وہ یہ نہیں چلے گا, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اسپیسیفک سوالوں کے جواب مانگیں گے اور ان کو بڑے بڑے وکیل کر کے وہ ایگزیکٹ جواب ان کے دینے ہوں گے جو سیٹسفیکٹری ہوں, تاکہ ان کا کیس اسٹرانگ ہو. ناظرین, آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کراتا چلوں کہ آپ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں اور کوئی سوال ہو بیرسٹر صاحب سے, ڈاکٹر صاحب سے, وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, میرے خیال میں سوری ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس لگتا ہے کوئی کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ریڈنگ سے ڈاکٹر جہاں بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر, ابھی آپ کا چینل دیکھ رہا تھا اور یہ جب آپ کے گیسٹ بیٹھے ہیں ان کو سن کر, ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑے اچھے گیسٹ ہیں اور ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے, ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ بہت اچھی ہے, کسی بھی کریٹیسائز نہیں کر رہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ کو ایسے کالر بلانے چاہیے اور ایسے کالرس کو ریگولر بلانا چاہیے تاکہ جو ہم لوگوں کو ایسی ایکسپلینیشن دیں, بلکہ کسی بھی کریٹیسائز نہ کریں, کسی کو الزام نہ دیں. بہت شکریہ. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر بس میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہتا تھا, اور یہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اجاز صاحب بیٹھے ہیں, ان کو سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے, بیرسٹر افتخار صاحب بیٹھے ہیں, ان کو سن کے بہت خوشی ہوئی ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی ڈاکٹر صاحب, بیرسٹر صاحب نے بھی جس طرح پہلے ذکر کیا کہ بڑا کمپلیکس ایشوز تھے, الیکشن سے پہلے بھی ایشوز شروع ہو گئے, پھر الیکشن جب پروسیس شروع ہوا, افتخار چودھری ایک ایسا نام ہے جو بار بار آتا ہے, بار بار آتا ہے, انہوں نے جا کے آر اوز سے خطاب بھی کیا, اس کی لیگل سائڈ کی طرف جائے بغیر جو اس کے سیاسی سائڈ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کا یہ بنتا تھا کہ وہ اتنے ایکٹیو ہو جائیں کہ وہ آلموسٹ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی؟ افتخار چودھری صاحب بڑا اگریسولی انہوں نے جوڈیشری چلائی, اور چونکہ ایک لمبا عرصہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا, ایک چانس مل گیا, اور جب پرویز مشرف صاحب کے بعد وہ ریسٹور ہوئے تو اس وقت وہ الیگزینڈر دا گریٹ کی طرح, وہ سمجھے کہ اب میں
कॉन्करर पूरी दुनिया का हो गया और पाकिस्तान में हर चीज़ अपनी मर्जी से चलाऊँगा। उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को तो चलता बना किया और दूसरे के भी तकरीबन चलता बना करने लगे थे वो। अब यहाँ देखिए कि इतनी ज़्यादा पावर जब आ जाती है किसी के पास तो उसमें फिर उसको जवाब दे अल्लाह ताला की ज़ात को ही होना पड़ता है। उसने खुद अपने गिर्द एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक हिसार बनाना होता है। तो पार जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, एक्टन का एक पुराना क्लीशे एक है, पार करप्ट करती है और एब्सोल्यूट पार, एब्सोल्यूट, अब मैंने जिंदगी में देखा है, मैं एक टर्म यूज करूँ, ही वॉज एन एब्सोल्यूट जुडिशियल अथॉरिटी इन द वर्ल्ड, जो आज तक नहीं मिला। तो असल देखा जाए ऑटोक्रेटिकली तो वो चलाते रहे ना। इवन कि मैं बताऊं कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी थी तो इनके पास सारी लिस्ट आई, DGIB की लिस्ट आती थी वो इनके पास चली जाती थी, DGISI की लिस्ट आती थी अच्छे लोगों का ज़िलों में तहसीलों में चुनना वो इनके पास जाती थी, और ये टेक करते थे नहीं इसको ना करो। और इनका बेटा जो है अरसलान इफ्तखार वो बैठ के कहता था कि डैडी इसको मैं जानता हूँ इसको कर दें, ओके करवा दें। वो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे बैरिस्टर साहब ने फरमाया कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि इस लेवल पे वो अपने आप को एक्टिवली इसको सुपरवाइज कर सकें इस पूरे मैकेनिज्म को। तो नतीजा हमें यही निकला कि इफ्तखार चौधरी ही आपको एक उस लेवल पे, लेकिन उनकी जो केमिस्ट्री थी, जो वर्किंग सिनर्जी थी, वो शरीफ फैमिली के साथ उनकी बन गई। सर डॉक्टर साहब कथा कलामी और ये आपके जर्मनी से हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। बहुत प्यारा प्रोग्राम है और प्यारे कॉलर, बहुत अच्छी बात चल रही है। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये अच्छे इन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब का जिक्र आया, तो जब अपने बेटे का एक मामला आया तो उस वक्त उन्होंने हाथ खींच लिया। इंसाफ में तो इस्लाम में जो मिलती है तारीख, वो जो सहाबा थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपने बेटे की कब्र पर भी उन्होंने कोड़े लगवाए। तो ये क्या, अगर एक शराब की बोतल पर 100 बोतल लिया जा सकता है, 60,000 लोग खास इनके दौर में शहीद कर दिए गए और इन्होंने जमानतें दे देकर उन लोगों को रिहा किया, क्या जज नहीं जानता कि किस कैसे कत्ल को परसू किया जाता है, कैसे निकाल के मुजरम को ले लिया जाता है, पैसे लेकर, तोहफे लेकर, गाड़ियां लेकर, बंगले लेकर, जमीन के प्लाट लेकर, या अंडर प्रेशर किसी से। मैं आपका पॉइंट आ गया, थैंक यू सो मच। यही मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ ही आता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट उठाया कि जब अपने बेटे का मौका आया उन्होंने इंसाफ उस तरह फराहम नहीं किया जिसके वो दावेदार थे। बहुत सारे और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो जो आप जहाँ से आप जिक्र कर रहे थे वहीं से अगर आप ये भी देख लें कि जो उनके जो उनका जुडिशल एक्टिविज़म था जिसके बारे में था कि जो तालिबान रिलेटेड था या जो टेररिज्म रिलेटेड था, सूफ़ी मोहम्मद के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी समोटो नहीं लिया, मुल्ला फजलुल्लाह के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी समोटो नहीं लिया, अतीका ऑडो की 2 बोतलों के ख़िलाफ़ ले लिया, तो वो आसान टारगेट को वो भी हिट करते थे। डेफिनेटली एक एजेंडा के तहत जब वो रिस्टोर हुए हैं ना, इफ्तिखार चौधरी जो छुपा हुआ था एक तहजीब के दायरे में वो बाहर निकला उस वक्त कि अब तो मुझे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऊपर से फिर जो मियाँ साहब जो पावरफुल हो गए, जो तो अपने बेटे को डेफिनेटली इन लोगों ने जो कहा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन उसको दिया, बल्कि बहुत सारी खबरें आती रही है, मैं इसको पोलिटिकली नहीं कह रहा, कि जिसमें हमें एविडेंस मिलती रही है कि इन्होंने कई फैसले इनके बेटे करते थे। जजेस की जो एलिवेशन, जजेस की ट्रांसफ़र, जजेस की जो वे टू परफॉर्मेंट था, हम वो कहते थे ना एक ज़माने में 1721 से 1742 तक पहला जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन में रहा रॉबर्ट वॉलपोल, तो उसके बारे में तो उसने अपनी एक एफिजी लगाई होती थी हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर एक बेर बैग के साथ, तो उसमें वो कहता था नीचे कैप्शन होती थी कि वे टू परफॉर्मेंट, तो जिसने कैबिनेट पोर्टफोलियो लेना होता था उस वक्त की वे गोलगी में, वो उनकी बेर बैग को किस करके वो जाता था और उसे, ये हिस्ट्री में नजर आता है, आपको ट्रेविलियन ने इस पर लिखा है। तो ये एक अरसलान जो था वो तोता बन गया था जिसमें जिन की जिसमें जान थी बाप की, अरसलान इफ्तिखार चलाता रहा जुडिशरी को काफ़ी देर तक। और अभी आप देखिए अभी हॉट कैंडिडेट था अरसलान इफ्तिखार सेनेट का इलेक्शन के लिए, उसका नाम पुट हुआ। हाँ वो तो उसके बन गए थे जो इन्वेस्टमेंट के, सॉरी मरसद कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? सलाम भाई, आपके पैनल को भी सलाम हो। वालेकुम सलाम, कौन साहब और कहाँ से बोल रहे हैं? नकवी बोल रहा हूँ। कहाँ से नकवी भाई? ग्लासगो से। जी जी, हुक्म करें नकवी भाई। भाई मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, ये कि पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी हो या ख्वाजा शरीफ हो
इनके ये तो एक्सपोज हो चुके थे, क्योंकि हमेशा हमने सुना है कि जज नहीं बोलते, जज का कलम बोलता है, तो यहाँ तो कलम खामोश था और जज साहब भी शेर व शायरी में ही सजाएं देते रहे लोगों को और नज़में सुना सुना के देते रहे, तो इसका मतलब कि जज बोलते रहे। लेकिन सवाल यह है कि इनके ऊपर भी एक कमीशन बना हुआ था जो जजों को कंट्रोल करने वाला था, वो कमीशन क्यों खामोश रहा, उन्होंने ऐसे जज जो थे उनको क्यों ना एहतसाब किया और वो क्यों ना इनको इंसाफ के कटहरे में ले गया? बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये मैं बैरिस्टर साहब से करूंगा। वो मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करें, जो इफ्तिखार चौधरी साहब का रेफरेंस है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो अभी भी उसमें पड़ा हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके ऊपर जो फैसला दिया था 14 जजेज ने, ये वो ये था कि वो आप ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ केस सुन नहीं सकती, ये फैसला नहीं आया था कि ये रेफरेंस झूठा है? नहीं, दरअसल वो सॉरी एक और कॉलर है, वो सवाल भी ले लेते हैं और दोनों सवाल इकट्ठे कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपको भी और आपके मेहमानों को भी, डॉक्टर इजाज साहब को भी खास तौर पर सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। जी जी प्लीज मुख्तसर सवाल रखिएगा। देता हूँ कि आपने प्रोग्राम शुरू किया और जो हमारे दिमागों में जंग लगे हुए हैं वो आप उतार रहे हैं, खास तौर पे डॉक्टर इजाज साहब। जी जी तो मेरा सवाल ये है कि हम तो आपको सुन रहे हैं माशाल्लाह, मेरा सवाल ये है कि अपना हम ये आपके प्रोग्राम से ये नतीजा कर सकते हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन बाख्तियार नहीं है, इलेक्शन धांधली से होते हैं, तो या मर जाएं या फिर इनकलाब की तैयारी करें, ये तो बता दीजिएगा इसका इलाज क्या है। चले बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। पहले जरा लीगल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जिन साहब ने पूछा था, क्या वो अभी भी है, वो कोई केस टेकअप कर सकती है जजेस के खिलाफ, या कितनी फाल है? ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो तो किसी एक कोर्ट ने नहीं बनाई, हुकूमत ने नहीं बनाई, वो तो हर वक्त होती है। जो केस जनरल मुशर्रफ साहब ने रेफरेंस की शक्ल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजा था कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को ना अहल करार दिया जाए, वो इस काबिल नहीं है कि वो जज रहें, वो रेफरेंस जो था वो रेफरेंस की प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि चौधरी एतज़ाज़ एहसन वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब को, और 5 दिन तक उसकी कार्रवाई चलती रही। फिर अचानक वो इफ्तिखार चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट पूरी बेंच के सामने चले गए। ये लोग कहते हैं, पता नहीं दुरुस्त है या नहीं है, कि उनको कहा गया कि आप ये केस यहाँ ले आएँ, सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खलील रमदे थे, उनकी सरबराई में उन्होंने प्रेसिडेंट के रेफरेंस को नॉन मेंटेनेबल डिक्लेयर कर दिया, विच इज़ टू से कि वो सदर साहब के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि जो रेफरेंस उन्होंने भेजा है उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सके। अच्छा, वो इतना गंभीर सवाल है कि प्रेसिडेंट को पावर जो है वो आईन देता है कि वो किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज सकते हैं। ठीक, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तमाम 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से। चूँकि इस केस में इफ्तिखार चौधरी खुद मुलजिम थे, इसलिए वो 4 सीनियर जजेस और एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, तो वो जो आईन इख्तियार देता है सदर को उसको उन्होंने रद्द कर दिया था रमदे साहब की कोर्ट ने। पहले उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर दिया था जिसके नतीजे में वो बहाल हो गए, क्योंकि अब बादी नज़र में ये लगता है जैसे कि ये वो स्कीम ही यही थी कि आप एक शॉर्ट ऑर्डर दे दें। शॉर्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि उसमें आप तफसील में मत जाएं, सदर जो है वो हम कहते हैं कि सदर का रेफरेंस जो है वो मेंटेन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, मैं एज ए लॉयर या दूसरे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई क्या रीज़न है। वो तो आईन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रेफरेंस भेज सकता है, आप कहते हैं कि उसने ये गलत भेजा, गलत कैसे भेजा है, एक्सप्लेन करें इसको। हाँ, तो वो एक्सप्लेन उन्होंने बड़ी देर तक नहीं किया।
उसके नतीजे में हुआ क्या कि उन शॉर्ट ऑर्डर से वो रिस्टोर हो गए, वो जज बन गए। बाद में कहीं आता गया, आज तक किसी को नहीं पता कि वो उसके डिटेल रीजंस क्या थे। जजमेंट आई है कहीं कई महीनों के बाद, सालों के बाद, तो वो उस पर रीज़न क्या दिए। तो वो जो रेफरेंस है वो ख़त्म हो गया सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ। और वो फिर बाकी हिस्ट्री है कि चीफ जस्टिस वो मतलब कि करप्शन से वो बरी नहीं हुए, वो रेफरेंस ही ख़त्म हो गया। जिन भाई ने सवाल किया इनकलाब की तैयारी करें, मरें मारें मर जाएं क्या करें, डॉक्टर साहब देखिए पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी आती है इसे हम कहते हैं बेस्पोक डेमोक्रेसी। जैसी नेशन है उसी से मटेरियल से आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उससे निकलते हैं। अल्लाह ताला का बड़ा खूबसूरत एक कलाम है, एक आयत है कुरान मजीद की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। ये कौम ने इलेक्ट करना है लोगों को। कैसी कौम है जिसके पास ना बिजली है, जो रोती है, रोटियां बांध के गले में नंगी फिरती है, डेमोस्ट्रेशन गलियों में करती है, बच्चे मर जाते हैं भूखे, छतें गिर जाती हैं, 50 बंदे बारिश हो तो मर जाते हैं, 50 बंदे गर्मी हो तो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन के दिनों में अब आप देख लीजिए हर टेलीविज़न, पाकिस्तान के 78 टीवी चैनल हैं, हर टीवी चैनल पे फिर भी एक कंटोनमेंट बोर्ड का काउंसलर इलेक्ट हुआ है तो ढोल की थाप में 50 बंदे फायरिंग भी कर रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं है। तो जैसी कौम है, ये कौम का जो कॉन्डक्ट है ना, कौम का जो एक जनरल डिमीनर है वो रिप्रेजेंट, वो रिफ्लेक्ट होता है कौम के उन लीडर्स में से। कौम अच्छी होगी, मैं कोई इज्तनाब नहीं करूंगा इस बात से कहते हुए, जिस तरह की कौम होगी लीडर उन्हीं में से ऐसे ही निकलेगा। पर इमरान खान साहब तो इस साल बार बार कह रहे हैं कि 2015 में हमारी हुकूमत बनेगी और नई हुकूमत बनेगी, किस तरह बनेगी? ये जुडिशल कमीशन भी जो है मुनज़्ज़म धांधली साबित होगी, इलेक्शन दोबारा कॉल होंगे, जब वो इलेक्शन अगर हो भी गए तो क्या वो फ्री एंड फेयर होंगे दोबारा? मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में अर्ज़ किया था, बैरिस्टर साहब शायद मुझसे डिफर करें, हमारे उस्ताद भी है, मुझे इस जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग है ना उसका कोई इम्पैक्ट गवर्नमेंट के चेंज होने में नज़र नहीं आ रहा, मैं होपफुल नहीं हूँ। ठीक है बैरिस्टर साहब, यहाँ पे ये आप ख़ुद भी सियासत से आपका बड़ा सा, आप माहिर कानून तो हैं पर साथ साथ आप माहिर सियासत भी हैं, तो सियासी जो ये जो इमरान खान ये सारी हलचल पैदा करने में कामयाब हुए, क्या फ्यूचर इलेक्शंस पे इसका कोई असर पड़ेगा? आया जो मर्ज़ी ये फैसला दे, इसके कतई नज़र फ्यूचर जो इलेक्शंस हैं उनमें कोई असर पड़ेगा, कोई इम्प्रूवमेंट होगी इस सारी हलचल से? नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये देखें जो भी नतीजा निकलता है जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग का और इनकी इंक्वायरी का वो अपनी जगह पे, लेकिन ये बात तय है कि इस इलेक्शन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो पैदा हो चुका हुआ है और वो मुस्तनद सवालिया निशान है कि इलेक्शन फेयर नहीं थे। अगर थे, ओवरऑल थे या नहीं थे, या इंडिविजुअली थे या नहीं थे, वो अलग बात है। जिससे होगा ये कि अब पार्लियामेंट या इस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि अगले इलेक्शन जो हैं वो किसी ऐसे फूल प्रूफ निज़ाम के तहत हों जिसमें गुंजाइश ही ना हो धांधली की। एक मिसाल हम देख चुके हैं कराची में हलका 246 में जो इलेक्शन हुए कि जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी धांधली करने की, अंदर भी रेंजर बाहर भी रेंजर, कैमरे लगे हुए और फुल स्ट्रेंथ में लॉ एनफोर्समेंट वहाँ पे मौजूद थी जिसमें कि धांधली नहीं हुई, ना किसी ने लज की ना हुई। इस तरह से पूरे इलेक्शनों में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि पूरी फौज इस्तेमाल हो जाए लेकिन निज़ाम ऐसा बन सकता है, ऐसा तरीक़ाकार जो कि मीलों दूर हो उस निज़ाम से जो 2013 में था। डॉक्टर साहब आपको इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं अगले इलेक्शन में? मुझे इम्प्रूवमेंट, मैं प्रैग्मेटिकली पेसिमिस्टिक हूँ, मैं वो इस तरह से कि जब ये एंटर हुए थे 2008 में तब इनकी $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी शरीफ ब्रदर्स की सऊदी अरेबिया में, यूएई में, ब्रिटेन में। अब जब ये 5 साल लगाए उन्होंने मियां नवाज शबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर है 2013 तक, उसमें ये 5 बिलियन तक चलेगी। अब एक हदफ है, अगर आज ये 15 बिलियन बना लेते हैं 2018 तक तो $15 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट जिसकी यूनाइटेड स्टेट्स में और यूके में, यूएई, सऊदी अरेबिया में होती है तो उससे इलेक्शन पाकिस्तान के जीतने से कोई नहीं रोक सकता।
तो फिर ये जो इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जा रही है हुकूमत और हम नई हुकूमत बनाएंगे और हम ही दोबारा हुकूमत में आएंगे। उनको मतलब कोई ना कोई ऑन द ग्राउंड कोई ना कोई होप कहीं ना कहीं से तो मिल रही है, आया आवाम से मिल रही है या किसी और हल्के से मिल रही है, कुछ तो उनको नज़र आ रहा है। मैंने ये बात 6 सितंबर 2014 को कंटेनर में 1 घंटे की मुलाकात 1-to-1 में इमरान खान साहब को मैंने बताई कि आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं चीज़ों के बारे में, मैं प्रैग्मेटिक हार्डलाइनर हूँ, मुझे उम्मीद कम है, उन्हें उम्मीद ज़्यादा है। तो नज़र नहीं ऐसा सच आ रहा कि इलेक्शन इस साल समवेयर इन द बिटवीन अगर कुछ हो जाए तो मेरे ख्याल में थोड़ी वो 2018 में ही होगा। जी बरसते सब आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही अर्ज करना चाह रहा था सिर्फ कि इमरान खान जितनी स्टेटमेंट देते रहे हैं पास्ट में भी, वो पॉसिबली अपनी पार्टी को उसमें रूह फूंकने के लिए या उसको ताज़ा दम रखने के लिए, लेकिन ऐसे शवायद नहीं हैं कि इसी साल में इलेक्शन भी हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ जीत भी जाएगी और वो वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात की आमद का, टाइम की कमी थी। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते पीर के रोज़ इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।